तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और जनाब आज आप लोगों को बताते हैं जो अपडेट्स वगैरह हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में, स्पेशली अल्टो VXR जो सिल्वर कलर का हमारा प्रोजेक्ट है ये कहाँ तक पहुँचा। इसके अलावा जनाब दूसरा हमारे पास जो मुल्तान से प्रोजेक्ट आया है ये कहाँ तक पहुँचा। इसके अलावा एक और जो VXR का प्रोजेक्ट है इस पे हमने कितना काम किया, सारा कुछ आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि अगर आपने हमारी कार्स डॉकयार्ड की फैमिली ज्वाइन नहीं की तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल का आइकन जो है वो प्रेस करें ताकि हर एक आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को एक तो अपडेट्स दूँगा, इसके अलावा आप लोगों को मैं बताऊँगा कि यार आप जो गाड़ी लेना चाह रहे हैं, मॉडिफाई करवाना चाह रहे हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है। सबसे पहली बात कि हमारे पास फोर सेल गाड़ियां नहीं होती। ज़्यादातर भाई पूछ रहे होते हैं यार फोर सेल गाड़ी है आपके पास, फोर सेल गाड़ी है, फोर सेल गाड़ियां नहीं होती। आपने गाड़ी लेनी होती है, हमारे पास लेकर आनी होती है और हमने आपको बना के देनी होती है, ठीक है। कभी कभी कोई गाड़ी आ जाती है जो कि फोर सेल हो तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, इसके अलावा कोई गाड़ी फोर सेल नहीं होती, ठीक है। शुरू करते हैं हमारे जो ये प्रोजेक्ट है अल्टो VXR का। इसमें हमने इलेक्ट्रिक पैडल वाला जो सेटअप है इंजन का वो इंस्टॉल किया था। गाड़ी कहाँ तक पहुँची है, सारी जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग थी वो उसका काम हो रहा था सारा, आप देख रहे होंगे हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पे आ गई है। फ्यूज़ बॉक्स सारा कुछ मैसअप था, अभी अपनी अपनी जगह पर। ये बॉडी वायरिंग आप देख रहे होंगे, हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पर चली गई है। अभी गाड़ी थोड़ी सी गंदी है, इसका हम इन द एंड जो है डिटेलिंग करेंगे गाड़ी की, ठीक है। तो इसके अलावा AC का काम हो गया है इसमें, ये आप देख रहे होंगे पाइप्स और ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई हैं, ठीक है। लाइट्स लग गई हैं, अभी हम बम्पर इंस्टॉल करेंगे इसका और कुछ छोटी मोटी चीज़ें हमने इसकी करनी है मज़ीद। पावर विंडोज़ जो है वो ऑन हो गई हैं और मीटर इंस्टॉल हो गया है गाड़ी के अंदर, ठीक है। तो ये इसकी कुछ तारें हैं, ये नई आई हैं, बॉनेट की तार है, एक पीछे पेट्रोल कप की तार है, वो इंस्टॉल करेंगे। नई डैशबोर्ड आप देख रहे होंगे इसमें, ये एयरबैग वाला डैशबोर्ड था, मैं आपको उधर से चल के आपको दिखाता हूँ। जो उसमें थ्री स्पोक स्टेयरिंग व्हील वो इंस्टॉल हुआ है। पीछे से आप देख रहे होंगे इसकी लाइट्स सारी ऑन हो गई हैं, ये वाइपर मशीन का जो पीछे का है ये ऑन हो गया, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ मैं इसका मीटर, ठीक है, और गाड़ी आपको स्टार्ट करके भी दिखाते हैं क्योंकि गाड़ी अभी स्टार्ट है, ठीक है। ये मीटर बहुत ज़्यादा शोर कर रही है। स्टीयरिंग व्हील आपने देख लिया होगा थ्री स्पोक, ठीक है, और पावर विंडोज़ इसमें इंस्टॉल्ड हो गई हैं, सारी वर्किंग में आ गई हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसमें भी हमने करना ये है कि तारें शारें ये सारी चीज़ें लगा के, बम्पर लगा के गाड़ी पोशिंग के लिए जाएगी। कल का दिन इसमें पोशिंग का होगा, पोशिंग होगी गाड़ी की, वो भी बड़ी प्यारी मैंने इसकी डिज़ाइन की हुई है, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ये जो प्रोजेक्ट है ये मैं वाइंड अप करूँगा। कंपाउंड पॉलिशिंग अभी गाड़ी की होनी है, ठीक है, तो वो करेंगे। अच्छा यहाँ आते हैं, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है मुल्तान का, इसमें हमने इंजन की इंस्टॉलेशन कर दी थी। कल हम गाड़ी की हमने कुछ आप ये कह लें 50% वायरिंग हो गई थी और 50% मज़ीद हो के तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई। अभी इसमें मीटर वगैरह इंस्टॉल करना बाकी है बस। तो ये गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है, अभी इसमें छोटे मोटे और मज़ीद जो इलेक्ट्रिकल काम होंगे वो सारे हम करेंगे जैसे हमने दूसरी गाड़ी में किया है, ठीक है। तो ये करके इंशाल्लाह हम ये भी कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगी। तकरीबन आप ये कह लें 75% गाड़ी हो गई है। इसके बाद इस गाड़ी पर आते हैं, इसमें अभी वायरिंग का काम बकाया रह गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स का। इंशाल्लाह कल हम इस पर इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स का काम सारा करेंगे इंशाल्लाह, और ये इंजन भी हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये गाड़ी हमने वायरिंग वगैरह इसकी कर ली है, कंप्लीट हो गई इंशाल्लाह। अब गाड़ी हम पोशिंग के लिए भेज रहे हैं। एक तो इसका सिलेंसर होने वाला है, सिलेंसर होगा अंदर पड़ा हुआ, ये देखें, तो
तो ये अभी कंप्लीट करते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा पोशिंग जो है ना गाड़ी की, तो वो होने जा रही है इंशाल्लाह कल तक। पोशिंग इसकी कंप्लीट होगी इंशाल्लाह, फिर जब गाड़ी आएगी तो आप लोगों से फिर हम शेयर करते हैं कि इसकी हमने इंटीरियर की पोशिंग कैसी की है। बड़ी यूनिक सी होगी इंशाल्लाह। टोन तो मैंने उसका इस तरह का रखा हुआ है, बाकी इसके रिम वगैरह भी मैंने पॉलिश करने हैं, वो भी देखते हैं कि अंदर का जो इंटीरियर होगा ना उस हिसाब से हमने रिम के कलर और उस तरह से गाड़ी को डिज़ाइन कर देना है इंशाल्लाह। तो ये भी हम उधर ही भेज रहे हैं। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे लाइट्स इसकी सारी ऑन हो गई हैं फ्रंट की, इसके अलावा मैं आपको इसके बैक की लाइट्स भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें नीचे नंबर प्लेट की लाइट, फ्रंट की ये इंडिकेटर, ब्रेक इंडिकेटर जो है ये सारी, ठीक है। इसके अलावा जी आज हमने एफएक्स में ये साइड आप देख रहे होंगे दरवाज़ा हमने इसको खोला था, इधर कुछ डेंटिंग्स की हैं, अंदर की वेल्डिंग्स वगैरह हो गई, ठीक है। इसके अलावा ये पिलर जो है ना हमने इसको, क्योंकि ये दरवाज़ा हैवी है तो उसके लिए हमने फिर पिलर की चादर दोबारा हमने बनाई है मोटी चादर से, ठीक है। तो ये हमने दोबारा बना दी है सारी, इसी तरह दूसरी साइड की भी बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये कुछ एफएक्स में भी आज इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। इसके अलावा जनाब मैंने आपको उस दिन बताया था कि हम कुछ और मज़ीद प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं इंशाल्लाह, तो आप में से जो भी भाई प्रोजेक्ट्स बनाना चाह रहे हैं तो तकरीबन मेरे ख्याल से 3 प्रोजेक्ट्स मैं और मज़ीद ले सकता हूँ, उसमें से एक ऑलरेडी एक भाई उन्होंने जगह ली हुई है, तो आप 2 मज़ीद प्रोजेक्ट्स लेकर आ सकते हैं तकरीबन। क्योंकि उसी वजह ये एक मेहरान का प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाएगा हमारा कल तक या परसों तक, और VXR के जो ये 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं इसमें से तकरीबन 2 प्रोजेक्ट्स रेडी हो जाएंगे इसी वीक में इंशाल्लाह, तो वो भी हम दे देंगे, ठीक है। तो इसके अलावा मज़दा का जो प्रोजेक्ट था हमारा अपना वो भी हो गया है, तो ये गाड़ी कंप्लीट है, ठीक है। तो हमारे पास तकरीबन 3 गाड़ियों की स्पेस है, तो आप अगर लेकर आना चाहते हैं 2, ठीक है, तो आप अगर लेकर आना चाहते हैं तो आप लेकर आ सकते हैं। जो भाई जिन्होंने गाड़ी परचेज़ नहीं की उनके लिए ये मैसेज है कि यार आप कोशिश करें कि गाड़ी जब आप ले रहे हैं, अगर आप पूरा कंप्लीट काम मुझसे करवाना चाह रहे हैं, तो फिर गाड़ी अगर आप अल्टो लेना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप इस तरह की गाड़ी लें जो कि एक्सीडेंटल ना हो, जो कि रस्ट फ्री हो, डॉक्यूमेंट्स ठीक हो गाड़ी के, तकरीबन आपको 5 से 5.5 लाख रुपये की रेंज में, या हो सकता है 5 से भी नीचे की रेंज में आपको गाड़ी मिल जाए, तकरीबन आपके ऊपर 4.5 से 5.5 तकरीबन या 5 लाख रुपए आपकी गाड़ी पर लग जाते हैं। और इस तरह की जो सिल्वर कलर की का जो प्रोजेक्ट है जिस लेवल का, इस तरह का एक बेहतरीन सा प्रोजेक्ट बन सकता है, ठीक है। और इसी तरह जो है ना बाकी गाड़ियां भी हैं, आप कोशिश करें कि यार गाड़ी एक्सीडेंटल ना हो, साफ सुथरी गाड़ी हो, रस्टेड ना हो, ताकि वो गाड़ी अच्छी बन जाए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आपको एक और चीज़ दिखानी है जो कि रह गई थी शराट में, हमने काम किया है तो वो आपको दिखाते हैं। तो आज हमने इस गाड़ी का अस्तर शस्तर डाल दिया था सारा, फिर डिको वगैरह भी लगाई है, कल इंशाल्लाह हम इसका फ्रंट सारा पेंट कर देंगे, ठीक है। तो कल तक इंशाल्लाह शराट का फ्रंट हो जाएगा, तो हमने फिर इसमें इंजन और सस्पेंशन और जो कुछ भी है इसका सारा, तो वो हम इंस्टॉल कर देंगे, गाड़ी को ऑन रोड कर देंगे, टेस्टिंग वगैरह कर लेंगे इंशाल्लाह, और बाकी मज़ीद काम उसके ऊपर फिर पेंट का बाहर से जो रह जाएगा इंशाल्लाह वो करेंगे, अंदर से इसके दरवाजे वगैरह पेंट कर देंगे ताकि डिग्गी दरवाजे बॉनट ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हम कर सकें, ठीक है। तो ये सारा सीन है जी, तो आज की वीडियो यहीं तक के लिए थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।